हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24 ऑफिशियल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू अपडेट की। उससे भी पहले आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी मिनिमम चार्जेस में आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें कि हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, और इसके भी साथ आपको यहाँ पर वीडियो कोर्सेज के थ्रू हम मटेरियल ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका अगर फायदा लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये जो न्यूज़ आ रही है, हम सभी को पता है कि पिछले काफ़ी समय से, लगभग 1.5 साल से, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने टीचर्स को उनकी जो सैलरी है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो बच्चों की फीस है वो नहीं आती है, और इस तरह से जो स्कूलों ने शिक्षकों को जो वेतन है मानदेय देना बंद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं वित्त विहीन शिक्षकों का कहना है कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार दिल्ली मुंबई सहित दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों का खर्च चलाने के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था कर रही है, भत्ते की घोषणा कर रही है, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर रही है, वहीं प्रदेश के 22,000 विद्यालयों में पढ़ा रहे वित्त विहीन विद्यालयों के 3.5 लाख शिक्षकों के परिवार की देखभाल के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रयागराज जिले में ही 900 वित्त विहीन विद्यालयों में 15,000 शिक्षक बिना पैसे के परेशान हैं। तो ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि अगर मजदूरों के लिए इतना खर्चा उठाया जा रहा है उनके परिवारों के लिए, तो दूसरी तरफ ये जो हमारे शिक्षक हैं जिन्हें हम अपने देश का निर्माता के नाम से जानते हैं, तो उनके परिवारों के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ नया स्टेप लेना चाहिए, उनको भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो इस तरह से इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।